देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ 1, 2, 4 टर्म इज दिस दिस दिस, फाइंड द थर्ड टर्म। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म इतना है, फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने, तो लेट द थर्ड टर्म बी एक्स। थर्ड टर्म को हमने एक्स ले लिया, फर्स्ट टर्म बता रहा है 32, सेकंड टर्म हमारे पास कितना है 112, थर्ड टर्म हमारा कितना है एक्स, एंड फोर्थ टर्म हमारा कितना है 217। सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब अंदर का 112 इंटू एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम मतलब 32, 32 इंटू 217। एक्स निकालना है तो इस नंबर को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो 32 इंटू 217 डिवाइडेड बाय 112। ना ना ना, फोर से काटेंगे, फोर प्यारा नंबर है ना, फोर एट सा, फोर से काटो तो फोर टू सा, फोर एट सा, टू से काटे क्या, 214, एट से खड़ी जाएगा, टू टू जो फोर, फोर से काट तो रहा है दोबारा, फोर टू से काटो, फोर सेवन सा, ठीक है, सेवन वन सा, सेवन थर्टी वन सा, एक्स का वैल्यू आ गया 2 × 31 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना, अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम प्रैक्टिस कर ले, कुछ आप भी प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, द इनकम ऑफ द रुचि एंड रंजन इज इतना, रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रुचि एंड रंजन, राजन इक्वल टू 4:7। इनकम की रेशियो देखा है रुचि और राजन का 4:7, ठीक है। अब बोल रहे कि इनकम अर्न पर मंथ बाय रुचि, इनकम अर्न पर मंथ बाय रुचि, रुचि कितना कमा रही है बता, कर रही है बाय 16,800 रुपीज, ये गिवन है कि पर मंथ हर महीने रुचि कितना कमा रही है 16,800, बहुत अमीर है ये। बोलते कि रंजन कितना कमा रहा है ये बताओ, इनकम अर्न पर मंथ बाय रंजन, राजन सॉरी, तो राजन को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करें बताओ, प्रोपोर्शन होगा रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रुचि एंड राजन। अच्छा ये सब लिखने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली मैं ऐसे बता देता हूँ, छोड़ दो बहुत बड़ा हो जाएगा लिखना। देखो रुचि और राजन का इनकम कितना है 4:7, ये रुचि का है ये राजन का है। अब इसके ही प्रोपोर्शन में यहाँ पर भी रुचि और राजन के पर मंथ के इनकम होने चाहिए, तो रुचि और राजन है ये, ठीक है, ये रुचि है ये राजन है, तो यहाँ पर रुचि होना चाहिए, रुचि का पर इनकम है 16,800, पर राजन का इनकम हमें पता नहीं, वही निकालना। प्रोपोर्शन से इसको निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, निकाल देना। ना 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 ना, कैसे आएगा 47,
कैसे कर रहे हैं। देखो ये कर देता हूँ मैं, ये पढ़ा था हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब होता है अंदर वाले, 7 × 16800। प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम क्या है, 4 × x। 4 को यहाँ पर लेके जाओ तो 7 × 16800 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 0, 7 × 4 = 0, 0 सो करेंगे तो 0, 0, 7 × 2 = 14, 4 × 1 = 28, 29 इक्वल टू x। और यही x हमारा क्या था, यही x हमारा था इनकम अर्न पर मंथ बाय रंजन, ठीक है। तो देयर फॉर इनकम अर्न बाय राजन पर मंथ इक्वल टू रुपीज 29400। राजन ने तो कमाल कर दिया यार, राजन तो यार चैंपियन निकल गया। राजन का इनकम पता है कितना है, 29400, दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हैं, दो तीन क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कहता है, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ अ लेंथ 20 मीटर एट अ टाइम व्हेन अ ट्री 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो हाइट ऑफ द पोल हमें निकालना है, तो हाइट ऑफ द पोल हम क्या ले लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर, हाइट ऑफ पोल निकालना है, इसको एक्स ले लो, ठीक है। और हमें गिवन है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल। तो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ पोल आपको गिवन है कितना, 20 मीटर। हाइट ऑफ ट्री गिवन है, हाइट ऑफ ट्री गिवन है 6 मीटर, और लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री दे रखा है आपको 8 मीटर, ठीक है। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ हाइट इक्वल होना चाहिए रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, अब पोल का हाइट क्या है, x, ट्री का हाइट क्या है, 6। याद रखना ये पोल लिया है ना और ये ट्री लिया है, तो यहाँ पर भी पोल ही लेना पड़ेगा और यहाँ पर ट्री ही लेना पड़ेगा। सेम है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब होता है अंदर वाला, 6 × 20 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले मल्टीप्लाई, x × 8। x निकालना है तो 8 को यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 6 × 20 पहले से ही था, 8 डिवाइड में कर लो तो x निकल जाएगा। 2 से काटो, 2 × 4 = 2 से काटो, 2 × 3 = 4, 1 = 4, 5 = 5, 3 = 15 इक्वल टू x। समझ में आया, समझ में आया क्या, कर लें थोड़ा, पेन में इंक खत्म हो गया यार, पेन है या पंखा है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लो इसको पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। देख क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड द जिंक इन एन एलॉय इज 5:9:5 दे रखा है। इफ द वेट ऑफ द जिंक इज इन द एलॉय इज 9.5 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द कॉपर। रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक दे रखा आपको, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक दे रखा आपको कितना, 9:5। ठीक है, वेट ऑफ जिंक दे रखा है, वेट ऑफ जिंक दे रखा आपको कितना, 9.5 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर ये निकालना है आपको, तो इसको क्या ले लो, एक्स ग्राम ले लो। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा, तो 9:5 दे रखा है प्रोपोर्शन में, वेट भी सेम ही होगा। याद रखना ये कॉपर और जिंक ले रखा है हमने, ठीक है, कॉपर और जिंक ले रखा है, तो यहाँ पर भी कॉपर और जिंक ही होगा। तो कॉपर हमारा एक्स है, जिंक हमारा 9.5, कॉपर हमारा एक्स है, जिंक हमारा 9.5 है। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9 × 9.5 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल होगा 5 × x। इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 9.5 / 5 = x। अब ये डिवाइड का ये हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, तो डेसिमल मैंने हटा दिया, तो नीचे बिठा दिया 10, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 से ये काटा तो 5 × 1 = 9, ठीक है, 19 आ गया यहाँ पर। 9 × 81 होता है 1 8 8 16 17 17 बाई 10 इक्वल टू एक्स, डेसिमल में इसका वैल्यू आ जाएगा 17.1 इक्वल टू एक्स। आंसर समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो। ये देखो 10 था ना, तो एक जीरो है, तो एक डेसिमल लास्ट पीछे से बिठा देगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे, पॉज कर लो, समझो क्या करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में होता है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 9:5, इफ द ब्रेथ इज 60 meters फाइंड इट्स लेंथ। रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ दे रखा है, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ दे रखा है, लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो कितना है, लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो 9:5 है। ठीक है, और आपको ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है आपको, 60 meters दे रखा है, तो लेंथ कितना ले लोगे, लेंथ को आप x मीटर ले लोगे। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में कैसे करते हैं, रेशियो दे रखा है लेंथ ऑफ ब्रेथ का 9:5, ये याद रखना लेंथ ऑफ ब्रेथ है, लेंथ ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हमको लेंथ में भी यहाँ पर लेना है, तो लेंथ हमारे यहाँ पर x है, ब्रेथ हमारे पास 60 है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब अंदर का 5 × x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 9 × 60, एक्स निकालने तो 5 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 9 × 60 / 5, 5 × 1 = 5, 12 × 9 = 108, 108। इससे हमारा प्रोपोर्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप ट्यूशन में पूछ सकते हो, पर उससे पहले आप पूरा वीडियो आप करोगे चेक, ठीक है, पूरा वीडियो पढ़ो अच्छी तरह, फिर कोई डाउट होता है तो पूछो। थैंक यू।